हाजरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी बड़ी खुश नसीबी है, थोड़ा सा इसको सेट कर दें बस। हजरत सिहा पोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मजार अक़दस पर मेरी हाजिरी हो रही है। तमाम अरबीन कमेटी का मैं मशकूर ममनून हूं। इसका और डिले कम करो, मुझे खिदमत का मौका अता फरमाया है। मुख्तसर वक्त में एक हमद बारी ताला और उसके बाद
सनाए रसूल नजर करूंगा। तमाम अपने बुजुर्ग जितने यहां बैठे हैं, तमाम कमेटी जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस प्रोग्राम को कामयाब किया है, और तमाम ऑडियंस से अपने प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत का तलबगार हूं। आप लोग इजाजत से नवाजें। हिंदुस्तान के मायनाज फनकार गुलाम वारिस साहब और उनकी पार्टी से भी इजाजत चाहते हैं। लीजिए, कम वक्त में आगाज कर रहे हैं, समाप्त फरमाइए। हाजी साहब, मुझे मजा नहीं आ रहा, इसको गुनगुना माइक हो रहा है, इसको शार्प करके लाउड करो। तमाम सूफिया इकराम भी यहां तशरीफ फरमा है। मैं हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के मिसरों से अपनी महफिल का आगाज कर रहा हूं, समाप्त फरमाएं। हेलो, कुल मुल्क ला शरीक लहु, वहदहु ला इलाहा इल्लाहु, शम्स तबरेज कर खुदा तलबी, खुशबगा लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी मुमलकते शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरो की तरह नात पढ़ूं रक्स करूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए, मैं भी खुसरो की तरह नात पढ़ूं। दोबारा हुक्म है, निरा निरे गमा गाने मादा निरे गमा गरे, रे मा रे मा दा मा दा नी रे गा रे नी दा मा दा नी नी दा मा मा रे गा रे नी सो नी मा गो मा दा मा दा नी नी रे गा रे सो। हजरत का हुकुम है, आप यमन गा रहे हैं तो कुछ पेश करें, इंशाल्लाह मैं जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि जिस घराने से ताल्लुक रखता हूं उसने वक्र यमन को किया है। कहराना चार मिसरे सुने पहले,
जहां कहीं भी मदीने की बात चलती है वहां तो दिन की तरह हो के रात चलती है। अनीस खोटा है सिक्का चला दे ऐ मौला, तेरे इशारे पे तो कायनात चलती है। तेरे इशारे पे तो कायनात चलती है। चार मिसरे हाजी साहब अपने इंतखाब की नजर कर रहा हूं। तू है जब मालिके कुल फिर तेरी तौसीफ क्या होगी, जो तेरा हो गया उसको भला तकलीफ क्या होगी। जमाने भर के शायर खामोखा उलझन में रहते हैं, भला अलहम्द से बढ़कर तेरी तारीफ क्या होगी। जिन्हें तूने बनाया रहमत लिल आलमी या रब, जिन्हें तूने बनाया रहमत लिल आलमी या रब, बस उनके सदके में तेरी नजर एक बार हो जाए। अंधेरी कब्र और दोजख कदर मुझको रुलाता है, इलाही तू करम कर दे तो बेड़ा पार हो जाए। इलाही तू करम कर दे तो बेड़ा पार हो जाए। वसीम साहब, हम्द शुरू करने से पहले चंद मिसरे देखें, अंदाज भी देखें। भीख मैं आदमी से नहीं मांगता, भीख मैं आदमी से नहीं मांगता, भीख मैं आदमी से नहीं मांगता, हो गदा हूं किसी से नहीं मांगता, हो गदा हूं किसी से नहीं मांगता, हो गदा हूं किसी से नहीं मांगता। तेरा मोहताज हूं मालिक दो जहां, तेरा मोहताज हूं मालिक दो जहां, तेरा मोहताज हूं मालिक दो जहां, इसलिए मैं किसी से नहीं मांगता, ओ इसलिए मैं किसी से नहीं मांगता, ओ इसलिए मैं किसी से नहीं मांगता। उससे नाराज, उससे नाराज होता है मेरा खुदा, उससे नाराज होता है मेरा खुदा, उससे नाराज होता है मेरा खुदा, जो नबी से अली से नहीं मांगता, जो नबी से अली से नहीं मांगता, जो नबी से नहीं मांगता, ओ नबी से अली से नहीं मांगता। जौहर कानपुरी साहब कहते हैं, आंधियों से ना बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, तू नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं, एक कतरा हूं मगर ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आए तो मैं दरिया हो जाऊं। कोई प्यासा नजर आए तो मैं दरिया हो जाऊं। इस महफिल का माहौल देखकर इस हम्द का मतला नजर कर रहा हूं, क्योंकि वारसी सिलसिले के एक ऐसे शायर जिन्हें बड़ी मकबूलियत से अल्लाह ने नवाजा है, मुजफ्फर वारसी साहिब की ये हम्द है लिखी हुई, मतले पर तवज्जो चाहूंगा।
ये जमी ये फलक इनसे आगे तलक। आशिकाने मुस्तफा से मुखातिब हूं क्योंकि आप लोग देख रहे हैं टीवियों पे भी न्यूज में भी बहुत सारे लोग सरकारे दो आलम सरवरे कायनात आका नामदार नबी रहमत रहमतुल्ला रबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। मैंने आज मेरा शायरी से मुनासबत नहीं है लेकिन कोशिश की है इन चार मिसरों को कहने की। काबू में रखना सीख ले अपनी जबान को, काबू में रखना सीख ले अपनी जबान को, समझो चाहूंगा हजरत। काबू में रखना सीख ले अपनी जबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। वाह, काबू में रखना सीख ले अपनी जबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। अरे 1400 साल हो गए तारीख पढ़ के देख, कोई घटा न सा कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को। तेरी तो औकात क्या है, और ये उम्मत मुस्तफा है। बेकल साहब कहते हैं कि हम वो बेकल हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं, जमाने गर्दिश अय्याम का रुख मोड़ देते हैं। मेरे सरकार को तौहीन की नजरों से जो देखे, जमाना जानता है उसकी आंखें फोड़ देते हैं। Allah
सिहोरा से, जबलपुर से, कटनी से, बड़े भाई पप्पू वसीम साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, और तमाम जितने लोग हैं माशाल्लाह, मेरी सोच से भी ज़्यादा आज की ये महफिल शानदार है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा बातों में, चंद मिसरे हाजी साहब नज़र कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ आप लोग कव्वाल सुनने वाले नहीं हैं, कव्वालगर हैं। कव्वालगर कहते हैं कव्वालों को बनाने वाले, बनाता तो अल्लाह है लेकिन वसीला बुजुर्गाने दीन के सदक़े में आप हैं। एक चार मिसरे चस्पा नजर करना चाहता हूं, आशिकाने मुस्तफा की नजर तवज्जो चाहूंगा। पप्पू भाई की नजर, इल्तजा ये है, अल्लाह तूने नशेबियों को फराजी बना दिया, तालियों को नमाजी बना दिया। कमेटी से मुखातिब हूं, तमाम लोगों के दिल में तमन्ना रहती है मदीना मुनव्वरा को देखने की। इन चार मिसरों में अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि रही संसारी कहते हैं यहां से इल्तिजा कर लूं दरे अक्दस पे जाने की, वहां से जिद पकड़ लूंगा कभी वापस ना आने की, कनात ये के आदत एक मुट्ठी जो मंगाने की, सखावत ये के भर दी झोलियां सारे जमाने की, मदीना मैं भी जा सकता हूं लेकिन मसला ये है कहां से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की, अरे लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे क्योंकि मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। जो दिल में इश्क़ नबी लिए बैठे हैं उनके लिए चार मिसरे दुआइया। शम्सो कमर की ए फलक मुझको नहीं चाहत, शम्सो कमर की ए फलक मुझको नहीं चाहत, मेरे कशकोल में रख दे तू एक जर्रा मदीने का, कशकोल में रख दे तू एक जर्रा मदीने का, तेरे शम्सो कमर की ए फलक मुझको नहीं चाहत, तेरे शम्सो कमर की ए फलक मुझको नहीं चाहत, मेरे कशकोल रख दे तू एक जर्रा मदीने का, मुझे भी है खुदा उस इश्क की मंजिल पे पहुंचा दे, मुझे
कोल में रख दे तू एक जर्रा मदीने का, तेरे कश कोल में रख दे तू एक जर्रा मदीने का। मुझे भी है खुदा उस इश्क की मंजिल पे पहुंचा दे, मुझे भी है खुदा उस इश्क की मंजिल पे पहुंचा दे। जिधर देखूं नजर आए मुझे जलवा मदीने का। सिहोरा कमेटी से मुखातिब हूं, सैयद साकिब अली शाह साहिब ने नवाजा है, मैं शुक्रगुजार हूं। पूरी मैयर कमेटी से मुखातिब, मेरी पसंद के ये चार मिसरे हैं। भाई जबलपुर से पप्पू वसीम साहिब तशरीफ लाए हैं, सतना से हाजी मुन्ना साहब तशरीफ लाए हैं, सिहोरा से हमारे गुलाम बड़े भाई तशरीफ लाए हैं, और कमेटी की जानिब से यह अनाउंस किया जाता है कि जितने भी हमारे मेहमान हजरात तशरीफ लाए हैं, पूरी कमेटी की जानिब से उनका इस्तकबाल खैर मकदम किया जा रहा है। और जो बनता भी है माशाल्लाह इस चीज के लोग मुस्तहिक हैं। पप्पू भाई चार मिसरे अपनी पसंद के। कोई समझ ना पाया, कोई समझ ना पाया, वो है मकाम तेरा। कोई समझ न पाया वो है मकाम तेरा, सर्रों से कह कशा तक सारा निजाम तेरा। चांद भी गया, जरूरी है इश्क सरकारे मदीना की करामत देखो। मौत आई है मुझे जिंदगी देने के लिए, चांद पे फिक्र है इस वास्ते खुद को लेकर, उनका तलवा है उसे रोशनी देने के लिए। चांद भाई तवज्जो चाहूंगा, Thank you.
जो हुकुम आपका इंशाल्लाह। चार मिसरे नजर कर रहा हूं। मकड़ी को जाल मकड़ी को जाल मकड़ी को जाल मकड़ी को जाल शहद की मक्खी को दी मिठास मकड़ी को जाल शहद की मक्खी को दी मिठास कांटों को पहरेदार किया तूने फूल का कांटों को पहरेदार किया तूने फूल का कांटों को पहरेदार किया तूने फूल का मकड़ी को जाल शहद की मक्खी को दी मिठास कांटों को पहरेदार किया तूने फूल का कांटों को पहरेदार किया तूने फूल का बुराइयों से हमको बचाने के वास्ते बुराइयों से हमको बचाने के वास्ते बुराइयों से हमको बचाने के वास्ते दामन हमें अता किया तूने रसूल का भाई। आप सियोरा में उस वक्त आए नहीं थे, मैंने एक बन पढ़ा था और हर स्टेज पे बचपन से पढ़ता हूं, पता नहीं कहां की दुआ कबूल हो जाए क्योंकि इन बुजुर्गों के सदके में दुआएं कबूल होती हैं। हमारी नजर में वसीला है सब कुछ, वसीला नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विलायत की मंजिल का आलम ना पूछो, वली से नबी का पता पा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी नजर में वसीला है सब कुछ, वसीला नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विलायत की मंजिल का आलम ना पूछो, वली से नबी का पता पा रहे हैं। हजरत आए हैं, दो मिसरे नजर कर रहा हूं। दौलत के तमन्नाई को जरदार बना दे, हमको गुलाम अहमद मुख्तार बना दे, जो कैमूर से आए हैं उनका भी स्वागत है कमेटी की जानिब से। पप्पू भाई पहले बन सुने फिर मजा आएगा। अभी मैंने मतला नजर नहीं किया है। मेरे कलम नवाब साहब, मेरे कलम में वो पाकीज़ा रोशनाई दे, बूंद बूंद में अक्से हरम दिखाई दे, झुकी झुकी सी जबीने हरम दिखाई दे, जहां हुजूर का नक्शे कदम दिखाई दे, मैं भीख मांगने उस दर पे आ गया हूँ, जहां जमी बने मेरा दामन तो कम दिखाई दे, मेरे खुदा मुझे जन्नत में उस जगह रखना,